Assalamu alaikum everyone, my name is Hamid Hussain and today we will going to learn about parameter and statistic. Parameter और statistics को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि population और sample क्या होता है, जिसे मैंने अपनी previous lecture में बहुत ही detail में explain किया था. तो अगर आपने मेरा previous lecture नहीं देखा तो just click on the link ताकि आपको मालूम हो सके कि पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पैरामीटर, इट इज़ बेसिकली अ क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन. अ पैरामीटर डिस्क्राइब्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. पैरामीटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करता है. जैसे मैं कहूँ कि एक फैमिली की एवरेज हाइट क्या है, तो एक ऐसा नंबर जो कि पूरी पॉपुलेशन की किसी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा. जैसे मैं कहूँ एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, जैसे मैं कहूँ एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जैसे मैं कहूँ एवरेज इनकम ऑफ पर्सन इन अ कंट्री, तो ये हमारे पास पैरामीटर हैं जो कि बेसिकली पॉपुलेशन की किसी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. तो एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो सैंपल हमने पॉपुलेशन से एक्सट्रैक्ट किया, द एवरेज हाइट ऑफ दैट सैंपल इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स. बिल्कुल इसी तरीके से a sample we have gathered from the population of a school aur us sample ka weight, average weight hamare paas, let's suppose hum kehte hain ki 20 kg hai, so that will be known as statistics. बिल्कुल इसी तरीके से एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से मैं एक सैंपल एक्सट्रैक्ट करूं और कहूं कि उन अफराद की जो एवरेज जो इनकम है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट पैरामीटर इट टेल्स अस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स इट टेल्स अस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल. तो ये एक छोटा सा फ़र्क है इन दोनों में. कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़.